Qualcomm ने 2024 में पूरी पीसी इंडस्ट्री को बदलने की कोशिश करी थी, लेकिन 2024 में कितना सक्सेसफुल है देखा जाए तो 0.8% का मार्केट शेयर आया था पीसी का, वो जो कि इतना ज्यादा बड़ा लगता नहीं है। हालांकि एआई पीसी वाली रेस के अंदर इन्होंने काफी अच्छा किया था और एआई एनेबल्ड पीसी को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बेचा था। लेकिन एक छोटी सी चीज, क्या ये लोग 2025 में एक बड़ा कमबैक यहां पे कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी नई स्नैपड्रैगन एक्स चिप को अनाउंस कर दिया है, जिसे देख के लगता है कि अफोर्डेबल विंडोज लैपटॉप के अंदर आएगी और डायरेक्टली इंटेल एएमडी के साथ कंपीट करेगी और उनसे बेटर चिप यहां पर लोग निकाल कर देंगे। तो क्या चल रही है पीछे की कहानी, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर की बात कर रहे थे, स्नैपड्रैगन एक्स एलीट और एक्स प्लस की, ये एआरएम बेस्ड आर्किटेक्चर पे आए थे और इनके साथ सबसे अच्छी चीज थी कि एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, पावर ड्रॉ कम था, बैटरी लाइफ लंबी चलती थी और हाई एंड की परफॉर्मेंस निकाल कर देते थे। इवन कई लोग गेमिंग कर रहे थे और इवन एआई की जो परफॉर्मेंसेस थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी थी। और सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट प्लस के जो लैपटॉप्स थे वो इन्हीं चिप्स के साथ आए थे। लेकिन हाँ, ये चिप्स मार्केट में नहीं थी, इनकी प्राइसेस काफी ज्यादा थे और आमतौर पर इंडिया में जो लैपटॉप्स से स्टार्ट हो रहे थे वो 1 लाख रुपए के ऊपर थे, फिर एक्स एलई टाइप 80-90,000 के लैपटॉप थे लेकिन वो भी एक्सपेंसिव थे। तो यार इन सब चीजों को ये लोग सॉल्व कर रहे हैं और एक्स सीरीज की जो नई चिप आ रही है उसका नाम है स्नैपड्रैगन एक्स और इसको बनाया गया अफोर्डेबल विंडोज लैपटॉप के लिए, जिनकी प्राइसिंग $600 से स्टार्ट होगी। मतलब इंडिया में समझ सकते हैं अराउंड 50-55,000 रुपीज के अराउंड में आपको इसके लैपटॉप्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि 50,000 की रेंज में अगर एक अच्छा लैपटॉप आ जाए तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि बात करें तो यहाँ पे उन्हीं बातों का ध्यान रखा गया है जो महंगे वाले प्रोसेसर में था। सबसे पहले तो जो परफॉर्मेंस में बात करें तो 8-कोर चिप है जिसके अंदर आपको X1 2600 का आर्किटेक्चर है, यहाँ पे आपको 3 GHz की मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, 30 MB की कैश देखने को मिल रही है, साथ ही साथ AI के अंदर 45 टॉप्स की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है जो इनके एक्स एलीट में भी थी, एक्स प्लस में भी थी, स्नैपड्रैगन एक्स में थी। यानी कि जो AI वाले टास्क होंगे ये सारी चीज बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। इसके साथ ही GPU को भी सॉलिड बनाया है और यहाँ पे अगर मैं इसके इंटेल कॉम्पिटिटर से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे इंटेल कोर i5 की 120U चिप आती है ना, उससे बेटर एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, बेटर बेंचमार्क में परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उससे ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। ये बहुत सही चीज होती है कि इंटेल कोर i5 जैसे प्रोसेसर को ये डायरेक्टली बीट कर रहे हैं जो कि थिन लेयर कैटेगरी में आता है। ऊपर से स्नैपड्रैगन एक्स बेस्ड है यहाँ पे 4nm की TSMC की प्रोसेस के ऊपर, जिस कारण से पावर एफिशिएंसी कम होती है और इसके साथ ही इसका जो पावर ड्रॉ रहता है ये इंटेल और एएमडी की चिप से भी कम रहता है। ये कुछ एडवांसमेंट्स है जिस कारण से ये प्रोसेसर सूटेबल होगा उन एंट्री लेवल लैपटॉप्स के लिए जिनके अंदर लोगों को लंबी बैटरी लाइफ चाहिए, जिस कारण से इस पर्टिकुलर मार्केट को लोग बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ अगली प्रॉब्लम थी स्नैपड्रैगन एक्स एलीट के साथ कि उस जमाने में जो नॉन एआरएम वाली एप्स थी वो बहुत ज्यादा थी। अब 2025 तक आते आते काफी सारी एप्स के एआरएम वर्जन यहाँ पर आ चुके हैं जो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और इम्यूलेशन वाली टेक्नोलॉजी को भी पीछे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने भी काम किया, क्वालकॉम ने भी काम किया है, यहाँ पे लोगों ने जो प्रिज्म जो इम्यूलेशन यूज कर रहे हैं जो पुराने x86 आर्किटेक्चर का था उसे एआरएम के अंदर यूज करने के लिए, जो एप्स के अंदर बीच में ट्रांसलेशन के लिए यूज किया जाएगा, उसे पहले से ज्यादा एडवांस बनाया, जिस कारण से यहाँ पे और अच्छे तरीके से चीजें चलेंगी। अभी हाल फिलहाल बात करें तो अभी के समय में HP, लेनोवो, डेल सभी कंपनीज ने ऐसे अनाउंसमेंट करी कि इस टाइप के लैपटॉप्स को निकालेंगे और इंडिया के मार्केट में भी इस तरीके के लैपटॉप्स यहाँ देखने को मिलेंगे। अब ये बड़ी चीज यहाँ पर क्यों होती है इसके बारे में बात करते हैं। अभी के समय में ज्यादातर लैपटॉप जिनकी कीमत 40,000 या 50,000 के नीचे आती है ना, उनके अंदर कई बार काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं और एक जो मेजर कॉम्प्रोमाइज होता है वो होता है बैटरी लाइफ को लेके। बैटरी लाइफ अगर आपको चाहिए किसी पतले हल्के लैपटॉप के अंदर तो आपको कई बार ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, जैसे कि इंटेल के इंटेल ईवो प्लेटफॉर्म वाले लैपटॉप्स आते हैं जिनकी कीमत 70-80 हज़ार से शुरू होती है, वहां पे बैटरी लाइफ अच्छी है, 50,000 की रेंज में इतनी खास बैटरी लाइफ नहीं है। तो यहाँ पे लोग बैटरी लाइफ पर भी फोकस कर रहे हैं प्लस अच्छी परफॉर्मेंस पर भी फोकस कर रहे हैं, प्लस ऐसे लैपटॉप्स को बिल्ड कर रहे हैं जो ओवरऑल क्वालिटी प्रोडक्ट भी रहे और आपको AI इनेबल्ड टास्क करके दे। क्योंकि अभी के समय में ऐसा लैपटॉप तो 50,000 में ले ही नहीं सकते जिसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट प्लस का फीचर मिले, और को पायलट प्लस वही है जिसके अंदर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो भी नहीं तब भी आप लैपटॉप के अंदर कुछ AI वाले टास्क कर सकते हो, जैसे कि वीडियो देखते देखते AI का यूज करके सबटाइटल क्रिएट करना, या फिर नए माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर आप इमेज जनरेट कर सकते हो, या फिर AI का यूज करके वीडियो एडिटिंग करना, ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी यहाँ। हालांकि देखने वाली बात होगी कि लोग इसको किस तरीके से अपनाते हैं, क्योंकि अब ये लैपटॉप वाली ऐसी कैटेगरी लग रही है जहाँ पे स्नैपड्रैगन एक बड़ा कमबैक करके एक बड़ा मार्केट शेयर यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं और इंटेल और AMD की मोनोपोली
इंडस्ट्री को बहुत बड़ी टक्कर दे सकती है, क्योंकि अभी भी इस कैटेगरी के लैपटॉप्स के अंदर इतने एडवांस प्रोसेसर देखने को नहीं मिलते। इसके साथ एक और अच्छी चीज मेरे को यहाँ पे लगी कि स्नैपड्रैगन एक्स के साथ जो प्राइस लो रहेगा और वैरायटी मिलेगी तो वो एक सॉलिड चॉइस रहेगी। और ऊपर से स्नैपड्रैगन एक्स के आने के बाद यहाँ पे ARM इनेबल्ड एप्लीकेशन, जो ARM स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के हिसाब से जो ऑप्टिमाइज्ड एप्स होंगी उनका सपोर्ट भी यहाँ पे तेजी से इंक्रीज होगा, तो ये भी एक बहुत सही चीज रहेगी। और जिन लोगों को बैटरी लाइफ वगैरह ज्यादा चाहिए, खास तौर पे स्टूडेंट्स या ऑफिस में जो लोग काम करते हैं जिनको बैटरी लाइफ ज्यादा से ज्यादा चाहिए, उन लोगों के लिए ये प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स बहुत ज्यादा सॉलिड चॉइस यहाँ पे बना सकते हैं। और देख के काफी अच्छा लगा कि स्नैपड्रैगन अपने मोबाइल फोन की जो टेक्नोलॉजी थी वो अब धीरे धीरे अपने लैपटॉप्स के अंदर ला रही, उनको एडवांस कर रही, तो काफी अच्छी चीज है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जब इसके लैपटॉप्स आएंगे तब ये किस तरीके का यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अभी के समय में बात करें तो स्नैपड्रैगन एक्स काफी अच्छा लग रहा है, एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा है। और हाँ, जिन लोगों को बेसिक गेमिंग करनी होगी ना वो भी यहाँ पे गेमिंग कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग को नहीं पता तो स्नैपड्रैगन का जो इंटीग्रेटेड GPU रहता है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल रहता है। और हाँ, यहाँ पर मैंने स्नैपड्रैगन एक्स एलीट में GTA 5 भी एक बार चलाकर देखा था, तो हाँ GTA 5 जैसा गेम अगर चल रहा है उसके अंदर तो वो एक अच्छी बात है जो कि ऑनबोर्ड ग्राफिक्स के साथ है। तो अगर ऑनबोर्ड ग्राफिक्स की टेक्नोलॉजी बेटर हो और ये सारी चीज अगर अच्छे तरीके से चले तो एक अच्छा कंपेलिंग कॉम्पिटिशन हो सकता है और मार्केट के अंदर अच्छे लैपटॉप्स आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल सकते हैं। ये एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी। देखते हैं क्या रहता है आने वाले समय में। और AI वाले लैपटॉप्स और AI PC का जो जमाना है वो काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा। AMD भी अब नए चिप्स निकालेगा, Intel भी नए चिप्स निकालेगा, और इवन ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे NVIDIA भी अपने ARM enabled चिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पर AI के ऊपर और ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो यार बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग टाइम होने वाला है, खास तौर पे PC इंडस्ट्री के लिए भी, जहाँ पे चिप्स के अंदर भी कुछ नई चीज आपको देखने को मिल रही है। बाय द वे, स्नैपड्रैगन एक्स पावर्ड अगर लैपटॉप्स आएंगे तो आप इन लैपटॉप्स के अंदर थोड़े इंटरेस्टेड होंगे या फिर आप पुराने इंटेल या AMD वाले के ऊपर ही जाना पसंद करोगे? इसका जो आंसर है जरूर से आप नीचे कमेंट बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया, पीसी इंडस्ट्री और टेक इंडस्ट्री के अंदर जो नई नई चीजें होती है वो हम यहाँ पे अक्सर कवर करते रहते हैं, तो उनको अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूं अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।